नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन अपने AWPL में कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो काफ़ी फाइटर हैं हमारे संग जिनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, हम किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा आप अपना किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो जो डिटेलमेंट आपको आपको आवश्यकता पड़ती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जिस किसी का भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका आपने प्रॉपर क्या करना है, उसका नेम यहाँ पर नोट करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ मेल है या फीमेल है वो आपने लिखना है, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका सन ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है, जैसे ये सन ऑफ इंदर सिंह है ये आपने लिखना है, उसका प्रॉपर एड्रेस आपने लिखना है, उसका पिन कोड नंबर आपने लिखना है, पैन कार्ड नंबर आपने लिखना है, उसका मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम क्या है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी के संग इसका क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आवश्यकता पड़ती हैं। अगर आपका पैन कार्ड नहीं भी है तो तब भी चल जाएगा। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं होना चाहिए। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी भी इनके लिख देता हूँ लास्ट में। ये मैंने इनकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दी है। ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपने कुछ नहीं करना है, गूगल को ओपन करना है। गूगल में आपने टाइप करना है यहाँ पर AWPL। जैसे आप टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, टाइप हमने कर दिया है। तो टाइप करने के जस्ट कुछ समय, अभी यहाँ पर नेट स्लो चल रहा है, जैसे आप यहाँ पर AWPL टाइप करते हैं तो यहाँ पर इसको आपने सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करते हैं यहाँ पर आपको जो फर्स्ट इंटरफेस दिखाई देता है लॉगिन का, इस पे आपने जो करना है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो नेक्स्ट, यहाँ पर एक सबसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा है वेबसाइट जो है खुल चुकी है। तो ये वेबसाइट पे यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आप अपनी आईडी वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ पर आपका होम पेज आ सकता है, यहाँ पर लॉगिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी लॉगिन का है। और यहाँ पर जो है ये तीन डॉट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपने सिंपली इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, डिस्कवर आपके पास क्या क्या इसके पास अथॉरिटी वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। उसके बाद है यहाँ पर रजिस्टर, तो यानी हमें अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की साइड को। जैसे आप इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिखाई देता है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर करने पर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपकी पर्सनल डिटेलमेंट। तो पर्सनल डिटेलमेंट भरने के लिए आपको क्या करना है, हर एक फील्ड को आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे टाइटल है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही जो है नोट डाउन कर रखी है। तो चलिए हम फटाफट इसको फिलअप करते हैं। यहाँ पर हमने जिस भी पर्सन का आप बनाना चाहते हैं उनका बनाना है, यहाँ पे उनका आपने प्रॉपर नाम लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं करनी है आपने। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके आधार कार्ड में लिखा होता है, तो उनका फादर का नाम मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ अभी। उसके बाद मेल है, फीमेल है आपने टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न होती है, सबसे पहले आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट नहीं करनी है, मंथ सेलेक्ट भी नहीं करना आपने। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये ईयर है, ईयर को आप ये जो ईयर आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपने क्या करना है, टच करना है। सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है।
तो जो इनका ईयर है 1980 का है, तो हमने सबसे पहले 1980 को सेलेक्ट कर दिया यहाँ से। फिर हमने मंथ वाइज, अब मुझे मंथ सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं आगे और पीछे यहाँ से क्या करूँगा, मंथ को सेलेक्ट करूँगा। इनका है मार्च का है और कितने डेट का है, 23 मार्च, ये मैंने बिल्कुल सेट कर दिया अभी। इनका प्रोफेशन क्या है, हाउसवाइफ है, अदर है, स्टूडेंट, बिजनेस प्रोफेशनल क्या है, ये अपने क्या है अदर कैटेगरी में मैं इनको डाल रहा हूँ। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, ये शादीशुदा हैं कि नहीं है, ये ऑलरेडी मैरिड हैं। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर जो कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 205219, ये मैंने इनका मोबाइल नंबर डाल दिया है। यहाँ पर आपने एक मोबाइल नंबर डाल दिया है, इसको आपको क्या है फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप सीधे ईमेल आईडी पे जाएं और ईमेल आईडी आपने इनका डालना है, सॉरी ईमेल को आप पूरा ध्यान से भरें, gmail.com, ये मैंने यहाँ पे इसको भर दिया है। नेक्स्ट नॉमिनी का नाम, ये सारी चीज़ें आपने जो डिटेल में पहले लिखी थी वही आपने फटाफट भरना है। यहाँ पर मैंने इनका नॉमिनी का नाम भर दिया है। उसके बाद नॉमिनी के संग रिलेशन क्या है, ये उनका सन है, लड़का है। उसका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए भी आपने क्या करना है, सेम पहले हम सन को सिलेक्ट करेंगे, ईयर को, ईयर को सिलेक्ट करते ही उनके जो भी उनके सन का डेट ऑफ बर्थ है उसको हमने यहाँ से फिलअप करना है और यहाँ से आगे पीछे करना है। अक्टूबर 24, ठीक है, यहाँ पे क्लिक हो गया। फिर हम जैसे ही ये सब कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमने जो ये आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आप सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एड्रेस मांग रहा है, ये पूरी चीज़ें एड्रेस आपने फिलअप करना है। तो एड्रेस आप भर सकते हैं उनका महावीर इनक्लेव, उसके बाद है पारम विलेज साउथ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली, ये आपने प्रॉपर एड्रेस कर दिया है। अब देखिए सेम एड्रेस आपसे पूछ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस वन आपने लिख दिया है, सेम एड्रेस आपको यहाँ भी कॉपी करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑल करने के लिए जैसे आप इसको देर तक दबा के रखते हैं तो यहाँ पर आपको यह एक जैसे आप इसको देर तक दबा के रखते हैं तो आपको यहाँ पर तीन डॉट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस डॉट पर क्लिक करें, सेलेक्ट ऑल करना है और इसको कॉपी कर लेना है। वही आप एड्रेस टू में देर तक दबा के रखेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आता है, तो ये पेस्ट के ऑप्शन को आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम आपका सिटी में इसको आपने पेस्ट करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कहाँ का है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के बाद जैसे आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करते हैं डिस्ट्रिक्ट पे आपने साउथ वेस्ट दिल्ली करना है। लैंडमार्क आपने यहाँ पर सेम कॉपी करना है। पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है तो पिन कोड आप डाल सकते हैं यहाँ पर 110045, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद यहाँ से पालम विलेज करना है। पालम विलेज के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं इस पैनल पे आपका क्या है, यहाँ पे आधार कार्ड है, आपने सबसे पहले आधार कार्ड का यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। एक चीज़ आप ध्यान रखना है,
आप यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रूफ टाइप। आप इस संस्था में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आपके लिए प्रूफ क्या है, आप इस पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी आपको दिखाई दे रही है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करते हैं, सपोज़ अभी हमने आधार कार्ड किया है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आधार कार्ड का नंबर टाइप करना है डॉक्यूमेंट नंबर में। तो आधार कार्ड का नंबर हम टाइप करते हैं इनका, ये हमने इनका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि आप चूज फाइल, इनके फ्रंट साइड फ़ोटो जो आधार कार्ड आप देना लगा रहे हैं, तो उसकी फ्रंट साइड की फ़ोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मांग रहा है। तो हम यहाँ से कहेंगे चूज फाइल करेंगे और इनकी यहाँ से जो है फ्रंट साइड की फ़ोटो क्या कर देंगे, अपलोड कर लेंगे। तो अपलोड करने के लिए हमने यहाँ से इसको कर दिया है सिलेक्ट। उसके बाद सेम प्रोसेस आपने क्या करना है, इनका बैक साइड की फ़ोटो यहाँ से क्या करनी है, हमको सेलेक्ट करनी है। सेम हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, अपनी गैलरी में से जाकर हम क्या करेंगे, इनकी बैक साइड की फ़ोटो यहां से सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हम इसको जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहां पर आपको सेम नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ऊपर की साइड, तो यहाँ पर आपको पूछता है बैंक डिटेल। तो देखिए, बैंक डिटेल कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास विद हैंड टू हैंड आप इसको करवा सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास हैंड टू हैंड, कोई बात नहीं, आप इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। अगर सपोज़ करिए किसी के पास आपके पास डिटेलमेंट है, तो आप उसकी पूरी डिटेलमेंट भर सकते हैं, अकाउंट नंबर भर सकते हैं, उसका IFSC कोड, उसका बैंक नेम, उसका ब्रांच नेम आप भर सकते हैं। उसके बाद आपने उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर भर सकते हैं, दोबारा कंफर्म आपने उसका अकाउंट नंबर डालना है, और सेम यहाँ पर उसके पासबुक की फ्रंट साइड की फ़ोटो आपने अपलोड कर देना है। ये जो बैंक KYC है, ये आपकी हाथों हाथ कम्प्लीट हो जाती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिटेलमेंट नहीं है किसी भी रजिस्ट्रेशन करने वाले पर्सन की, तो आप यहां से इसको सीधे क्या कर सकते हैं, स्किप छोड़ सकते हैं, स्किप करके इसको ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कर दिया है। इस पर आप जैसे ही ओके करेंगे, तो यहां पर आपका ये छूट, अभी इसको छोड़ दिया हमने, हमारे पास अभी कोई डिटेलमेंट नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया। सेम प्रोसेस आपका क्या है, यहां पर अगर आपके पास किसी का आधार कार्ड, सॉरी पैन कार्ड नंबर है, तो आप इसको भर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर जैसे आप भरते हैं, उसके बाद आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस पर्सन का नाम आ जाएगा। अगर हमारे पास किसी का पैन कार्ड भी नहीं है, तो हम सेम प्रोसेस यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके हम इसको स्किप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास इस पर्सन का जो है पैन कार्ड नंबर है, तो हम पैन कार्ड नंबर भरते हैं HQ। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसा प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर जो है पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली मैंने ऑनलाइन वेरीफाई पे इसको क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या है, पर्सन का नेम आ जाता है डिटेक्ट होकर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी प्रताप सिंह का नाम आ चुका है, जो कि उसी पर्सन की जो है ID उसी के नाम पर बन ली है। उसके बाद जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मांगता है स्पॉन्सर नेम, स्पॉन्सर ID। तो मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने इससे पहले जो अपलोड करी थी, कि कैसे हम अपने स्पॉन्सर आईडी का पता कर सकते हैं। और स्पॉन्सर आईडी सबसे मेन होता है, क्योंकि अगर एक बार आपने आईडी गलत लगा दी, तो उसको डीएक्टिवेशन करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं। तो इसलिए आपने सही स्पॉन्सर आईडी का चुनाव करना है। तो सही चुनाव करने के लिए जो मैंने इससे पहले जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप चेकआउट कर लें, कैसे हम सही स्पॉन्सर आईडी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमारे पास स्पॉन्सर आईडी है, तो हम इसको स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर डालता हूँ, तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर नेम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं अभी डाल के दिखाता हूँ आपको, स्पॉन्सर आईडी 5C5। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका नेम आ चुका है। तो अब मैं, अब बात आती है स्पॉन्सर आईडी हमने डाल दी है, अब स्पॉन्सर आईडी के किस तरफ हमको ये आईडी लगानी है, हमको बोनस की साइड लगाना है या हमको इंसेंटिव की साइड लगाना है, तो ये आपने ध्यान देना है। पहले आप इस स्पॉन्सर आईडी को आपने खोल के चेक करना है कि इसके SAO में कोई आईडी है तो नहीं, या इसके SDO में कोई आईडी है तो नहीं।
अगर नहीं है तो तभी जाकर आपने इन दोनों में से क्या करना है, एक को सिलेक्ट करना है। आप SEO को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप SGO को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको जो है SEO में लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे SEO सिलेक्ट करेंगे और सेम आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको स्क्रॉल अप डाउन, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे के लिए ऊपर के लिए जाएंगे आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे जो है एग्रीमेंट दिया जाता है। तो इस एग्रीमेंट को आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने सीधे एक्सेप्ट करना है और इसको सीधे सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे करते हैं, यहाँ पर जो आपका OTP है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है। अगर किसी का बाई चांस OTP नहीं आ पाता है तो आप रीसेंड OTP कर सकते हैं दोबारा, और जैसे ही OTP आ जाता है उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबमिट आपने क्या कर देना है, OTP कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपका ID और पासवर्ड जो है बन के आ जाता है। तो आपका क्या करना है, आपने इसको नोट डाउन करना है। नो डाउन कैसे करना है, आपका जो ID नंबर है वो आपका ये वाला है और आपका जो पासवर्ड है वो आपका ये वाला है। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं, आपने सिर्फ यहाँ से अपने ID को नो डाउन करना है, आपने यहाँ से अपनी ID को नो डाउन करना है और अपना पासवर्ड नोट करना है। इसको आप ज़रूर नोट करना है अपनी डायरी में, और यहाँ पर आपका ID इस प्रकार से बन सकता है। स्पॉन्सर ID जो आपने लगाया था वो आपके स्पॉन्सर ID ये है बीच वाली। तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, ID बनाना है। जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। फिर आप इसी प्रकार से किसी तीसरे पर्सन की ID को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू, आई होप आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, और अगर आप ये कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।